राजधानी दिल्ली में सभी स्कूलों की दो कक्षाओं यानी 10वीं और 12वीं खुलने के बाद कोचिंग सेंटर भी खुलने की अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली में उच्च शिक्षा का हब माने जाने वाले मुखर्जी नगर का हाल अभी भी बेहाल है, क्योंकि लगभग 10 महीने से सभी कोचिंग संस्थानों पर अभी तक ताला लगा हुआ है। पिछले साल मार्च में ही कोरोना के बढ़ते स्तर को देखते हुए देश को लॉकडाउन की प्रक्रिया के तहत बंद कर दिया था, पर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कोरोना का प्रकोप इस तरह देश में पसरेगा कि सभी चीजों को ठप कर देगा। लोगों की माने तो जब से कोरोना का कहर शुरू हुआ है तब से मुखर्जी नगर में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सभी अधिकतर कोचिंग की वजह से आते थे। जब से कोचिंग संस्थाएं बंद हुई है तब से यहाँ की रौनक कई गुमसी हो गई है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले एक छात्र से जब पूछा गया कि क्या अब दिल्ली सरकार को कोचिंग संस्था खोलने की अनुमति देनी चाहिए, इस पर उसने जवाब दिया कि जब दिल्ली सरकार 10वीं और 12वीं कक्षाओं के छात्रों के लिए स्कूल खोल सकती है तो हम तो उनसे जब भी बड़े हैं, हमारे लिए कोचिंग संस्था और कॉलेज क्यों नहीं खुल सकते। अगर सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा फैसला लेना था तो पहले बड़े बच्चों के हित में लेती। कोरोना के गाइडलाइंस का जब छोटे क्लास के बच्चे पालन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इस संदर्भ में कुछ ऐसे भी लोग हमें मिले जो सरकार के इस फैसले के समर्थन में थे। उनका कहना था कि सरकार जो करेगी हम सभी के बारे में सोच के करेगी। सरकार को यह पता है कि मुखर्जी नगर शिक्षा का बहुत बड़ा हब है, ऐसे में इसे खोल दिया जाता है तो हजारों की तादाद में बच्चे आएंगे, जिससे कोरोना तो नहीं पर कोरोना का नया रूप यानी स्ट्रेन के पसरने की आशंका बढ़ जाएगी। एपीटी भारत के लिए दिल्ली से शिवानी मोरवाल की रिपोर्ट।